Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, my followers and my friends, a very great day to all of you and to your family. This is a weekly report which is coming little late on YouTube and we are very sorry for that. And let's just continue this weekly report. To the followers who have joined us recently, please join our Telegram channel of Equity 99. You will get very fantastic live market updates and stocks to trade and to invest. Let's continue for this video. So friends, first we'll take Nifty cash. So for this week, 11,130 will act as a nearest support point. Isko todne ke baad mein agar aur Nifty aur niche jata hai is hafte to 11,065 se leke 11,000 ke levels tak chhu sakti hai Nifty. अपर साइड में देखें तो 11,290 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है. इसके क्रॉसओवर होने के बाद में निफ्टी जो है 11,350 से लेके 11,420 तक के लेवल्स तक जा सकती है इसी हफ्ते के अंदर. बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में. तो दोस्तों बैंक निफ्टी देखिए 21,360 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है. अगर निफ्टी ये सपोर्ट पॉइंट तोड़ती है तो 21,075 से लेके 21,000 के लेवल्स तक जाती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी. अपर साइड में देखें तो 21,900 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन रेजिस्टेंस जोन्स. तो इसके क्रॉसओवर होने के बाद में अगर निफ्टी और ऊपर जाती है तो 22,250 से लेके 22,400 के लेवल्स आपको इसी हफ्ते में आते हुए दिखेंगे. अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीक के परफॉर्मेंस की. तो कैडिला हेल्थ केयर हमने 388 में रिकमेंड किया था जिसने 411.50 का हाई बनाया है. गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए 926 रुपये पे रिकमेंड करी थी जो कि 956 का लेवल छुके आई है. बालकृष्णा इंडस्ट्री 1322 के लेवल पे हम लोगों ने रिकमेंड किया था जो कि 1383 के लेवल तक पहुंचा है. इंडोको रेमेडीज़ हमने बताया था आपको 226 रुपये में जो कि 262 रुपये 80 पैसे का हाई बना के आया है. सुदर्शन केमिकल्स देखिए 409 रुपये 35 पैसे पर रिकमेंड किया था जो कि 476 का लेवल छू के आया है. तो आई एम श्योर इन पांचों स्टॉक्स में जिसने भी ट्रेड किया होगा उसको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न्स मिले होंगे. बात करते हैं अब आने वाले स्टॉक्स के बारे में. तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक फेडरल बैंक हमने सिलेक्ट किया है. इसको डिप्स में बाय करना है 53.75 से लेके 54.5 के बीच में और स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें 51.50 का. अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 58.75 से लेके 60 रुपीज़ तक के लेवल्स आपको 10 से 15 दिनों में आते हुए दिखेंगे. देखिए दूसरा स्टॉक है TVS श्री चक्र. तो दोस्तों इस ये चार्ट से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है. 1485 से लेके 1460 की गिरावट के आस जब भी आए तब आपको वहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है. स्टॉप लॉस रखना होगा 1420 का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 1625 से लेके 1675 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे 10 से 15 दिनों में. दोस्तों अगला स्टॉक है TCPL पैकेजिंग. तो स्टॉक जो है वो चार्ट से बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है. 330 से लेके 315 की गिरावट जब भी आपको देखे तब वहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है. स्टॉप लॉस रखना होगा 300 का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 370 से लेके 390 और 400 के लेवल्स आपको अगले 10 से 15 दिनों में आते हुए दिखेंगे TCPL पैकेजिंग में. बात करते हैं अब चौथे स्टॉक की. तो इमामी लिमिटेड हमारा चौथा स्टॉक है. इसमें जो है लास्ट क्लोजिंग 157 की मिली थी. इसको भी डिप्स में बाय करना है 255 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में. स्टॉप लॉस रखना होगा 236 रुपये का. अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 280 से 300 लेवल्स की अगले एक महीने के अंदर. लास्ट स्टॉक किया इंडस्ट्रीज़. तो दोस्तों इसका जो लास्ट क्लोजिंग मिली थी 377 रुपये के पास में थी. इसको भी डिप्स में बाय करना है 370 से लेके 365 के लेवल्स के बीच में. स्टॉप लॉस रखना होगा 355 का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 398 से 410 के लेवल्स आपको 10 से 15 दिनों में आते हुए देखेंगे किया इंडस्ट्रीज़ के अंदर. तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो और डिस्क्रिप्शन इक्विटी 99 की तरफ से इस हफ्ते के लिए. प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ट्रेडिंग में जब भी जो भी आप पोजीशंस बनाएं उसके लिए बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करें. मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. थैंक यू सो मच.